गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। ब्रिज किशोर यादव पप्पू की तरफ से नेक पहल। खबर गाजीपुर से है, जहां आज गाजीपुर घाट स्टेशन पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव ने गरीब और मजदूरों को खाना वितरण किया। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे भारत में लॉकडाउन है, तो वहीं पर यादव महासभा के लोग गोंडा और बहराइच से आकर के जो मजदूर रोजी रोटी के लिए काम करते थे, जो ढोलक बनाने का काम करते हैं और रोज अपने परिवार का पेट चलाते हैं, लॉकडाउन के चलते उनका धंधा चौपट हो गया। उन लोगों के लिए आज इन लोग नेकी का काम कर रहे हैं। इन लोगों का लक्ष्य है कि ये लोग उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर यह राशन मुहैया कराया जा सके। इन मजदूरों को और गरीबों को दाल चावल दे रही है ताकि यह अपना पेट भर सके और कोई भी भूखे ना सो पाए। मैं ब्रिज किशोर यादव, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा, गाजीपुर का जिला अध्यक्ष। आज आप लोग जो है घाट स्टेशन पर किस तरह का भोजन वितरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है। हमारे साथ हमारे जिला के उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हमारे जिला महामंत्री माननीय कैलाश यादव जी हैं, हमारे बड़े भाई राजदेव यादव जी हैं और आलम पट्टी के प्रधान माननीय संजय यादव जी और पप्पू यादव जी और धामा के प्रधान माननीय सूर्यनाथ यादव जी भी हैं। सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को लगातार कई दिनों से चला रहे हैं हम लोग और ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। किशोर जी, 13वां दिन आज लॉकडाउन का, बजट भी लग रहा है और आप लोग अलग अलग डिश भी दे रहे हैं बना करके, तो क्या कहेंगे, कैसे कर रहे हैं इसको पूरा आप लोग? देखिए, ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो हम लोगों के सभी के सहयोग से चल रहा है और सरकार तो जो कर रही है वो आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये इस समय महामारी का समय है, संकट है देश पर, तो कोई भी टीका टिप्पणी करना इस समय उचित नहीं है। और ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, अपने सहयोग से कर रहे हैं, संगठन के सहयोग से कर रहे हैं, अपने सारे भाई लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। आज क्या आपने दिया इन लोगों को? आज इन लोगों को चावल और दाल का वितरण किया गया है और इसी प्रकार रोज कुछ न कुछ बदल करके इन लोगों को व्यंजन बनवाए जा रहा है और उसी का वितरण हो रहा है। ठीक। सूर्यनाथ यादव, ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि धामा। आज किस तरह का भोजन दिया है और क्या कहेंगे इस पर आप? ये लॉकडाउन के समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, उस हिसाब से हम लोग कई दिनों से जो है इन गरीबों को, जो दूसरे बहराइच, गोंडा और शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, लॉकडाउन में फंसे, इनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज उसी के तहत यादव महासभा की तरफ से चावल और दाल बनवा कर को इन्हें वितरित किया जा रहा है और आगे भी जो है इनके हम लोग वितरित करते रहेंगे। 13वां दिन हो गया है और आप लोग जो है, आपकी मुहिम और आपकी टीम जो है संघर्ष के साथ साथ जो है इन लोगों की हर चीज़ को पूरा कर रही है, तो आप क्या कहेंगे? और बजट भी कहीं ना कहीं आप लोग का लग रहा है, क्योंकि 13 दिन से लगातार आप लोग मतलब रोज़मर्रा की जिंदगी जो इन लोग जो है लोग दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप ये सही है कि बजट लग रहा है, लेकिन इन इस परिस्थिति में ये जो सामाजिक संगठन आगे आए हैं, हमारे यादव महासभा के जिला अध्यक्ष जी, ब्रिज किशोर जी और हमारे ही गाँव के राजदेव यादव जी और ये राजू यादव फूलपुर के जो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सारे लोग जितने सम्मानित यहाँ व्यक्ति खड़े हैं, सारे लोगों के सहयोग से ये व्यवस्था की जा रही है। इसके पहले मैं यहाँ के प्रशासन को भी मैं अवगत करा चुका हूँ और प्रशासन की तरफ से जो भी ज़रूरी सामान अभी तक मिलना चाहिए अभी तक उपलब्ध हो नहीं पाया है, इसलिए कि मैंने लेखपाल और तहसीलदार से ये कहा इन गरीबों को या तो इनको गाँव में घूमना बंद किया जाए, ये चूँकि गाँव में घूम रहे हैं इससे बहुत तकलीफ़ की बात है, इस समय में गाँव में जाना नहीं चाहिए। और इसी इन परिस्थितियों में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि कम से कम ये अपने यहाँ बस दस्तूर बने रहें और इनको जो है भोजन की व्यवस्था कराई जाए। ठीक है सर, धन्यवाद।